शुरू आरपीओ मुल्तान मलिक अबू बकर खुदाबख्श का तबादला कर दिया गया। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग पुलिस कमर शाहरुख को आरपीओ बना दिया गया। हमारा असर डीपीओ बहावल नगर तायुनात, जबकि इमरान याकूब डीपीओ डेरा गाजी खान के ओहदे पर फायर। चीन में फंसे भकर के तीन नौजवानों समेत पाकिस्तानियों के हवाले से अस्कुर नोटिस केस की समाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तमाम अपराध को 6 अगस्त से पहले वापस लाने का हुक्म। अदालत ने शाहीन एयरलाइंस के मालिक को 7 अगस्त को तलब कर दिया। कोई भी गैर महफूज जहाज मुसाफिरों को लेने न भेजा जाए, चीफ जस्टिस के रिमांड। बहावरपुर का हलका पीपी 245 से 9 मुंतखब रुकन सूबाई असेंबली मलिक जहीर चन्नड़ की शहबाज शरीफ से मुलाकात। साबिक सूबाई वजीर इकबाल चन्नड़ और एनए 171 से 9 मुंतखब उम्मीदवार रियाज पीरजादा भी शरीक। खत्ते की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ के इलेक्शन जीतने पर दोनों शख्सियात को मुबारकबाद पेश। बहावरपुर के हलका एनए 172 से तारिक बशीर चीमा की वक्त समेत चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। परवेज इलाही की जानिब से तारिक बशीर को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश। मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। इलेक्शन 2018 के वोटों की दोबारा गिनती केस का मामला मुल्तान के हलका पीपी 270 से अवामी राज पार्टी के मोहम्मद अजमल खान और पीपी 271 से मोहम्मद आमिर करामत की जानिब से दायर दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर केसों की समाअत करेंगे। और खानपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एनए 173 से उम्मीदवार मियां गौस मोहम्मद का इलेक्शन कमीशन से मुखालिफ लीगी उम्मीदवार शेख फयाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का मुतालबा। 25 जुलाई को शेख फयाज की जानिब से पोलिंग स्टेशन और रिटर्निंग ऑफिसर्स पर हमले की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। गौस मोहम्मद का कहना है कि शेख फयाज ने बैलेट पेपर चोरी करने के रिजल्ट तब्दील किया था।